दूध होता है या सार होता है, चाचनी मकान बनावा से या मां मिल गई। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। सुबह का टाइम है तो सुबह के बज रहे हैं 5:30। 5:30 बजे मैं अपनी छत पे आई थी पक्षियों के लिए दाना डाल। हल्का हल्का अंधेरा भी है, देख सकते हो चारों तरफ, और लेकिन इस टाइम हरियाली है ना तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। तो हम नीचे आ चुके हैं झाड़ू निकाल के, और यह सब जग गए। चल इधर देख जो, आलू कर, आलू दोस्त राम राम कर करेगा। तो अब बन रही है हमारी चाय। हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को हमारी तरफ से। तो सुबह के इस टाइम 5:30 बज रहे हैं। तो क्या अच्छा तो कभी कभी चाय ठंडा दी है, इतना काम नहीं रहता है सुबह बार के आलू खेत में रहते हैं, तो इसलिए झाड़ू काम रहता है। चाय का दूध काट ही जाएगी बाहर। और अभी निकाली है मैंने झाड़ू। झाड़ू निकालने के बाद मैं पी रही हूँ चाय। तो मैं बैठ गई हूँ चाय लेके, आप भी पी लीजिए दोस्तों चाय सुबह की, क्योंकि मैं तो डेली है ना, मतलब चाय के बिना मतलब दिन की शुरुआत नहीं होती है। खैर वो तो अब तो घर का काम हो गया है इसलिए। और इधर हमारी जीजी और कविता दूध निकालने गई है भैंस का। वो क्या कि मैं झाड़ू निकाल रही थी, वो एक भैंस तो ना मेरे को दूध नहीं देती है, एक देती है, तो उसका मैं निकालती हूँ। तो आज जीजी और कविता चली गए, अभी बताऊँगी मैं आपको वहाँ पर ले जाकर। एक बार मैं चाय पी लेती हूँ, तभी तो हम बैठे हैं। तो हमारी भैंस यहाँ पे बंध रही है और दूध भी निकाल रही है। चलो मैं बताती हूँ। जी जी बोल रही है कि माँ की खा रही है, पर जैसे पूछ उछने पैर न उठा ले। और एक भैंस को यहाँ निकाल रही कविता। पहले दूध होता दूध तूने तो पीले कह रहे, पहला भी तो पियो कार्तिक दोस्ता ना। ये देखो फिर भी देखो कितनी पतली हो रही है, पीती तो फिर ये कार्तिक कार्तिक पीजिए आधा से दूध। तो इसने तो निकाल लिया एक वैस का दूध। और देखो लो अभी सूर्यदेव भगवान उदय हो रहे हैं, प्रगट हो रहे हैं, अभी तो ये नहीं है। अभी हमारी जीजी तो निकाल रही है। अब जा रहे हैं हम चारा लेने, मैं और कविता। और जीजी इधर हमारी भैंस की राबड़ी बना रही है। लच्छों को आजा, चूहे तो डाल देती हूँ पर नन बढ़िया रही है। दो बीमार तो मैं और कविता चल रही है, हम दोनों आज दूर के खेत पे जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं दूर के खेत पे, वहाँ पे क्या है ना, कितनी दूर है वो आपको पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो हम बता देंगे। यहाँ पे तो बाजरो है और यह खेत बद वही है इधर को बगल को। और आगे से दो दाड़ आ रही, आज ले आ रही। इतने दूध वाले दूध ले रहे हैं। हाँ जा रहे यहाँ ले, वो जा रहा है दातड़ी धरी है खेरे खचा रही दूध दे भाई दे। यो नान बड़ी है ना दूध दे दिए, बेच बेच रही किलो ही कहाँ बड़ा तो कम दे रही है, तो आरो दिन के कम पड़ती जाए। अच्छा अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं खेत पे, काफी दूर पड़ता है हमारा वो वाला खेत, तो आपको बताएंगे खैर कितनी दूर है। अब तो बाजरा में बाल भी निकलने लगी हमारी तरफ, खाई खाई तो शायद नहीं निकल रही होगी। दोस्तों बताना हमारे ही गांव में छह के बाद रहे कितने सारे ले जा रहे हैं मानने के लिए, तीन वरट ले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं डोड़े डोड़े, और यह खेत में तिल्ली है, अपने वाड़ो खेत है, माँ भी वहां में भी लंबी लंबी जा रही है। तो अब आ चुके हैं हम, डोक दिया एक बता। ये देवी मैया का मंदिर आ गया, और ये हमारा खेत है, इसमें तिल्ली तिल्ली है पूरे में। ये देखो वन तक ठेठ।
तो अब आ गए हम देवी मैया पे, हाथ जोड़ने टोक देंगे। हम देवी मैया के दे लिया हमने ढोक, जा रहे हैं। मैं क्या चारों तरफ ना तार लगा दिए हैं क्योंकि गाय भैंसों का बहुत ज्यादा बिड़ती है, गाय भैंस। तो हम इसको इसको खोल लेते हैं, वो तार को तो दो दो तार खोलना पड़ेगा ना। दिखाओ पड़ेगा कोई तो ना दुपट्टो ले आई जो गेला में पतना खपट के आई मुंडा बांध देती और दुपट्टा सु यही सु लग जा पर यहाँ तो आग और चलो देखो। तो अब मैंने भी चारा काटना स्टार्ट कर दिया, पीछे की तरफ अभी तो थोड़ा ही काटा है, ये काटा है एक और दो कुड्डे काटे हैं मैंने, और ये डोर में से काट रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चारा तिल्ली में तो अंदर भी नहीं सकते और न्यार भी नहीं है। अगर तिल्ली में चारा भी होता ना तो भी नहीं काटते हैं क्योंकि तिल्ली रहने का डर रहता है। इसलिए चारा काटते काटते फेट माँ से काटा था हमने और यहाँ गए देवी मैया के सहारे आगे कुएं में, क्योंकि चारा ना हम दौड़ा दौड़ा से बेगड़ो भी ज़्यादा है और कविता तो कभी तारन इधर जा रही काट रही है, कभी इधर आ काट रही है। तो हम एक बार भरोटे भर लेते हैं, देखते हैं कितनी पोट हुई हैं, फिर उसके बाद अभी तो हम क्योंकि तीन पोट ले जानी है हमको। और देख सकते हैं दोस्तों कितने पसीने आ गए, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है वो ज़्यादा सभी बहनें करती हैं और करना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि घर में जो लेडीज होती है ना वो तो काम करती है, अच्छी लगती है। दोस्तों एक बरोटा तो हो गया है हमारा चारा का और एक कभी तो भर रही है, पता नहीं होगा या फिर नहीं। तो मैं जा रही हूँ दूसरे कुएं में, देख लो दोस्तों अगर इसमें तिल्ली में भी हम घुस जाए ना तो इसमें भी दूसरी साइड से तो बिल्कुल भी ना दिखाई दे, इतनी बड़ी बड़ी तिल्ली है। तिल्ली बहुत बड़ी बड़ी बदगी। तो एक भरोटा हम दोनों ने यहाँ से किया है और पसीनान में देख सकते हो पूरी तरफ भीज गए हैं यार, यार नहीं है ढूंढ ढूंढ के कर रहे हैं। और अब हम लोगों ने यहाँ से काटा है, इधर से काट लाए, मतलब डोड़ा डोड़ा काटा है तो देवी मैया के पास आ गए और यहाँ से भी मतलब तीन भरोटे पूरे हुए हैं अब जाके, और थक गए हैं अपनी भर रही है खैर मेरे तो बहुत ज़्यादा। तो अब हम भरोटा बांध के और फिर जाएंगे घर, यहाँ से फिर 10 बजे तक आओ। अच्छा नहीं तो कभी तो गई, कभी तो चली गई एक भरोटा को पेरने, ज़्यादा उस घर के पास रख के आएगी क्योंकि फिर हम दो भरोटे लेके जाएंगे, मैं उसको उचा दूँगी वो मेरे को उचा देगी, माथा पे रख के फिर घर पे ले जाएंगे। तो दोस्तों एक भरोटा पर ले जा, एक भरोटा तो मैंने कविता को उचा दिया है, अब दूसरा देखते हैं हम कैसे उच पाते हैं नहीं उच पाते हैं, मैं उचने वाली हूँ। तो दोस्तों मैंने भी उच लिया है भरोटा और इधर कविता चली गई भरोटा लेकर, थक गए हैं बैठ के उचाया था और यहाँ से निकलना है मेरे को, देखती हूँ कैसे निकल पाती हूँ। तो गिर गया है मेरा भरोटा तो और कविता भी चली गई, अब तार बांध देती हूँ, निकड़ा नहीं ना आयो या मोर बिल्कुल ही, देखती हूँ किसी को बुला के लाती हूँ। तो ये पड़ा यहाँ दोस्तों, ये चाची मिली है गैला में, अब यहाँ उचाएगी मेरे को। नहीं वो चाची जी का घर यहीं पे घर है पर ये रहवे ना है, पर तुम्हें खाखा घूमती रहवे, पुराना घर में रहवे अभी ताली। यहाँ जा पड़ो या मैं ये तारन मर्जर एक थैला काटो अभी जा पड़ो, मुझे सुनित कविता तो काट लेगी तो चाची उचा देगी, ले कम से कम या सार होता है चाची ने मकान बनावा से मो मिल गई। दोस्तों मैं भी ले आई हूँ चारा, इस बार दूसरा भरोटा है ये, और थैले वाले को तो मैं पटक किया गई थी वापस घर, तो किसी और से घर से बुला के ले गई थी तो उन्होंने उचाया, और अब हम भी घर आ गए हैं। नाने भी चल दिए और देखो इतने कपड़े भी धोने हैं, एक ड्रेस तो मैं पहनूंगी और धो के लाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना, रोटी नहीं बनाई मैंने अभी तो, एक बार नहा लेती हूँ फिर खाना बनाऊंगी।
ठीक है दोस्तों, आप सभी को कैसे लगा आज का हमारा वीडियो, दो रानी जिठानी का, मतलब घर में हम सभी कैसे कैसे काम करते हैं, आपको पसंद आया होगा। और हिलविल के ही करना चाहिए दोस्तों काम, तो इतना ही बहुत दोस्तों ना, अभी तो मेरे को